हाँ जी दोस्तों नमस्कार, फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल फायर हाइडेंट की। एक्सटर्नल जो भवन के बाहरी एरिया में, जो जैसे एक भवन होता है, भवन के इनसाइड पे, इनसाइड में जो इंटरनल हाइडेंट होता है, जो भवन के स्टेयरकेस के पास या फिर इनसाइड किसी भी जगह वो हो सकता है, हर फ्लोर पे जो फायर हाइडेंट सिस्टम लगते हैं उसको इंटरनल फायर हाइडेंट सिस्टम बोलते हैं, जो भवन के बाहर लगते हैं। आप देखे होंगे ग्राउंड फ्लोर पे जो भवन के बाहरी एरिया में जो भी फायर हाइडेंट लगे हैं उसको एक्सटर्नल फायर हाइडेंट कहते हैं। दोस्तों फायर हाइडेंट सिस्टम में ज़रूरत पड़ने पर हाइडेंट में तुरंत पानी उपलब्ध होना चाहिए। हाइड्रेंट के लाइन में लगने वाला सभी वाल्व खुले होने चाहिए। दोस्तों फायर हाइड्रेंट के जो, चूँकि भवन के इंटरनल फायर हाइड्रेंट और एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट के लिए एक ही जगह से वाटर सप्लाई का प्रोविज़न होता है दोनों के लिए। आप देखे होंगे फायर पंप रूम में दोनों के लिए अलग अलग लाइन होते हैं। एक एक्सटर्नल हाइड्रेंट के लिए अलग से पाइपलाइन गया होगा, इंटरनल फायर हाइड्रेंट के लिए अलग से राइजर गया होगा। आप पंप रूम में दोस्तों देख लेना, दो लाइन गए होंगे एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट सिस्टम के लिए और इंटरनल फायर हाइड्रेंट सिस्टम के लिए लाइन गया होगा। तो दोस्तों कोई भी वाल्व बंद नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट के लिए या इंटरनल फायर हाइड्रेंट के लिए। ज़रूरत पड़ने पर फायर हाइड्रेंट से तुरंत पानी उपलब्ध होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। फायर हाइड्रेंट सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम को फायर हाइड्रेंट सिस्टम से नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आग बुझाने वाले उपकरण को जोड़ा जा सकता है, जैसे फिक्स मॉनिटर फायर होजरी। फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये नहीं कि माली को पानी देने के लिए जोड़ दें, अरे इधर वाटर पाइपलाइन है, दूसरा पाइपलाइन बिछाने की क्या ज़रूरत है, उसी में एक टोटी दे दो पानी माली वगैरह को, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। दोस्तों आग बुझाने वाला जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है सिर्फ आग बुझाने के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, किसी को पानी पीने के लिए उसमें से पॉइंट नहीं देना है, ना कहीं फूल पौधों के लिए पानी देने के लिए इस्तेमाल करना, सिर्फ आग बुझाने के पर्पस से ही वो सिस्टम बना है। एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट सिस्टम में दोस्तों आप वाटर फायर फाइटिंग के लिए जो वाटर मॉनिटर सिस्टम है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर उस लाइन से आप फायर होजरी को कनेक्ट कर सकते हैं, चूँकि वो भी आग बुझाने वाला उपकरण है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। सभी एक्सटर्नल हाइड्रेंट आउटलेट जमीनी स्तर से 1 मीटर ऊपर स्थिर होंगे। दोस्तों एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट, ध्यान रहे मैं किस फायर हाइड्रेंट की बात कर रहा हूँ, जो बिल्डिंग के बाहर एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट होते हैं वो जमीनी स्तर से, जो फायर हाइड्रेंट है जमीनी स्तर से जो फायर हाइड्रेंट का आउटलेट होता है उसके बीच में का 1 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ज़मीन से के पास हो या फिर ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर हो कि पता चला सीढ़ी लगा के हॉज पाइप को कनेक्ट करना पड़े, ऐसा भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। दोस्तों उसका स्टैंडर्ड है 1 मीटर हाइट पर फायर हाइड्रेंट का आउटलेट होना चाहिए। कितना? 1 मीटर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल से 1 मीटर हाइट पर फायर हाइड्रेंट का लैंडिंग वाल्व आउटलेट होना चाहिए। दोस्तों एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। स्टैंड पोस्ट सिंगल हेड एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट पाइपलाइन की साइज 80 mm होना चाहिए और डबल हेड एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट पाइपलाइन की साइज 100 mm का होना चाहिए। दोस्तों एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट जो होते हैं उसमें एक मुंह वाला जो फायर हाइड्रेंट होते हैं, एक मुंह वाला, दो मुंह वाला, आपने फायर हाइड्रेंट देखा होगा, एक मुंह वाला मतलब वन वे लैंडिंग वाल्व,
टू वे लैंडिंग वाला, मतलब दो मुंह वाला, मतलब दो एक ही हाइडेंट से दो जगह से फायर फाइटिंग के लिए व्यवस्था होता है, उसको टू वे लैंडिंग वाल्व लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो डबल हाइडेंट फायर सिस्टम बोलते हैं उसके लिए 100 mm, जिसमें दो मुंह वाला फायर हाइडेंट है उसका जो पाइपलाइन है 100 mm का होना चाहिए कम से कम, और जो एक मुंह वाला जो फायर हाइडेंट है उसका पाइपलाइन 80 mm से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो 150 mm में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों एक मुंह वाले 80 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और दो मुंह वाले फायर हाइडेंट सिस्टम का 100 mm से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। 63 mm फायर मॉनिटर, 75 mm फायर मॉनिटर, 100 mm फायर मॉनिटर वाले आकार के लिए 150 mm का पाइपलाइन होना चाहिए। ये तीन प्रकार का जो मैंने बताया था, 63 mm, 75 mm, 100 mm जो फायर मॉनिटर होता है, ठीक है दोस्तों, उसके लिए कम से कम 150 mm से पाइपलाइन से कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 80 mm पाइपलाइन से आप कनेक्ट कर दो, 50 mm पाइपलाइन से कनेक्ट कर दो, या फिर आप 100 mm, नहीं जी, कम से कम 80 mm फायर पाइपलाइन से कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल हाइड्रेट सिस्टम के लिए 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर को कम करने के लिए प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस लगा होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भवन के, क्योंकि भवन की हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, 20 मंजिल हो सकती है, 25 मंजिल हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हाई जोन लो जोन में डिवाइड होता है बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम पंप रूम में बहुत ज़्यादा प्रेशर, कई जगह 10 kg का प्रेशर होता है, कई जगह 12 kg का, कई जगह 14 kg का प्रेशर पंप रूम में होता है। सोचो आप एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट में 14 kg का प्रेशर मिले, तो फायर फाइटर भाई आदमी ही है, कोई वो हाथी घोड़ा तो है नहीं, फायर फाइटर वही आदमी है, जैसे नॉर्मल आदमी ऑफिस में जाकर नौकरी करता है वही आदमी फायर फाइटर है। फायर फाइटर को उसके बारे में प्रैक्टिस होती है, नॉलेज होती है सिस्टम को ऑपरेटर के लिए, लेकिन वो बाहुबली नहीं है कि हम वो ज़्यादा प्रेशर को पकड़ के भी फायर फाइटिंग करें। ठीक है दोस्तों, तो बाहुबली नहीं है फायरमैन, फायरमैन एक साधारण आदमी है, तो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, इसलिए एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट के लिए उसी पाइपलाइन से जो पंप रूम में 14 केजी का जो प्रेशर है उसमें एक रिड्यूसिंग वाल्व लगा होता है जो वाटर का रिड्यूस कर देता है, वाटर प्रेशर को, वाटर फ्लो को रिड्यूस नहीं करता, वाटर फ्लो जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन प्रेशर को रिड्यूस करके फायर हाइड्रेंट को देगा, मतलब 14 kg को रिड्यूस करके 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ग्राउंड फ्लोर पर देगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, आप देखना आपके साइड पे है कि नहीं। नियम तो दोस्तों यही कहता है कि प्रेशर रिड्यूस वाल्व लगा होना चाहिए जो हाई प्रेशर को रिड्यूस करके 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर दे एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट सिस्टम के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फायर हाइड्रेंट के आसपास किसी स्टोरेज की अनुमति नहीं होती है, फायर हाइड्रेंट का रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों भवन के, आप कोई भी फैक्ट्री हो या फिर स्कूल हो या फिर बिजनेस बिल्डिंग है या फिर कोई मॉल हो या फिर कोई भी एबीसीडी बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग के जो फायर हाइड्रेंट एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट है उसके आसपास कोई मटेरियल स्टोर ना कर दिया जाए, या फिर मतलब उस जो फायर हाइड्रेंट है वो पहले से डिजाइनेड होता है कि ओपन एरिया में कहाँ पे फायर हाइड्रेंट का पॉइंट होता है, और उस वो फायर हाइड्रेंट दूर दूर से दिखाई दे वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता होता है। ये नहीं कि कोई टेम्परेरी वहाँ पे स्टोरेज मटेरियल रख दे या फिर उसके सामने कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर दे कि वो फायर हाइड्रेंट अंदर छिप जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कानून के खिलाफ है दोस्तों।
तो फायर हाइड्रेंट के आसपास कोई भी अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए जिससे वो फायर हाइड्रेंट दिखाई ना दे या फिर किसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर के अंदर बंद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। फायर हाइड्रेंट फायर हजार्ड को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है ताकि इफ़ेक्टिव सर्विस दे सके और एरिया का सुरक्षित कर सके। यह जरूरी नहीं कि फायर हाइड्रेंट एक दूसरे के समान दूरी पर है। ओ दोस्तों, हालांकि एक स्टैंडर्डाइज किया गया है कि फायर हाइड्रेंट की दूरी इस हाइड्रेंट से इतने मीटर के दूरी पर फायर हाइड्रेंट होता है, लेकिन हालांकि उसमें भी बदलाव किया जाता है। मान लीजिए कोई साधारण सा एक बाउंड्री हो, उसके बीच में कोई हजार्डस कोई स्ट्रक्चर ना हो जिसमें आग लगने कोई संभावना ना हो, वहाँ से 10 कदम दूरी आगे पर कोई हजार्डस मटेरियल हो या फिर उससे पहले हो, तो फायर हाइड्रेंट को थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। अगर ज़्यादा दूर है तो वहाँ पे एक और एडिशनल फायर हाइड्रेंट लगाना पड़ता है, अदरवाइज हम उस फायर हाइड्रेंट को उसके नज़दीक शिफ्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से इजीली हम फायर फाइटिंग कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आता है कि कौन सा भवन में फायर हाइड्रेंट किस किस टाइप के लगेंगे। एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने बताया था कि भवन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लाइट हजार्ड एक्यूपेंसी, कम खतरे वाला भवन, कम खतरे वाला परिसर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ऑर्डिनरी हजार्ड एक्यूपेंसी, साधारण खतरे, मतलब एक तो बिल्कुल कम खतरे वाला है, दूसरा साधारण खतरे वाला एक्यूपेंसी। तीसरा है दोस्तों हाई हजार्ड एक्यूपेंसी, उच्च जोखिम वाले, मतलब ज़्यादा खतरे वाला एक्यूपेंसी, ज़्यादा खतरे वाला परिसर, कम खतरे वाला परिसर, साधारण खतरे वाला परिसर और ज़्यादा खतरे वाला परिसर। तीन कैटेगरी में भवन को बांटा गया है। कौन कौन सा? लाइट हजार्ड एक्यूपेंसी, ऑर्डिनरी हजार्ड एक्यूपेंसी और हाई हजार्ड एक्यूपेंसी। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि लाइट हजार्ड एक्यूपेंसी कम खतरे वाले भवन में कम से कम एक हाइड्रेंट पोस्ट बाहरी दीवार के पास प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पे लगा होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, ये भवन जो तीन कैटेगरी में बांटा गया है ये आप ज़रूर पढ़ लेना कि कौन सा भवन कौन सी कैटेगरी में आता है, तभी आगे आप चीज़ों को समझ पाओगे। लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हाइड्रेंट के दूसरी हाइड्रेंट के बीच में दूरी कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी भवन कौन सी कैटेगरी में आता है। लो हजार्ड वाले में आता है, हाई हजार्ड में आता है या फिर मध्यम हजार्ड में आता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों कैटेगरी में आपका भवन कौन सी कैटेगरी में आता है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रेंट की दूसरी हाइड्रेंट के बीच की डिस्टेंस डिजाइन होता है। तो कम खतरे वाले भवन में कम से कम एक हाइड्रेंट पोस्ट बाहरी दीवार के पास प्रत्येक 60 मीटर के दूरी पे होना चाहिए। कम खतरे वाला जैसे भवन हो गया, स्कूल हो गया, जो भी कम खतरे वाले जिसमें आग लगने की खतरा कम होता है, वहाँ पे एक हाइड्रेंट से दूसरी हाइड्रेंट के बीच में डिस्टेंस जो होता है 60 मीटर की होती है। कम खतरे वाले एक्यूपेंसी, कम खतरे वाले परिसर के अंदर, सॉरी परिसर के अंदर नहीं, मैं एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। परिसर के बाहर इंटरनल का नियम कानून, जब हम इंटरनल फायर हाइड्रेंट के बारे में बताएंगे या फिर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसे मैं ही बताऊँगा, आप खुद जान सकते हैं उसके बारे में। मैं एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट के लिए फ़िलहाल बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल जो फायर हाइड्रेंट होते हैं बाहरी दीवार, कोई भी परिसर होता है उसके बाहरी दीवार होते हैं, उसके बाहर बाउंड्री होते हैं, बाहर जो होते हैं, वहाँ पे एक हाइड्रेंट से दूसरी हाइड्रेंट के बीच में 60 मीटर का डिस्टेंस होता है। दोस्तों
कम खतरे वाले परिसर में, ये भी ध्यान देना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनरी हजार्ड ऑक्युपेंसी, साधारण खतरे वाले भवन में कम से कम एक हाइड्रेंट पोस्ट बाहरी दीवार के पास प्रत्येक 45 मीटर की दूरी पे लगा होना चाहिए। साधारण खतरे वाले जो भवन है, साधारण खतरे वाला जो परिसर है, साधारण खतरे वाला जो भी परिसर है उसके बाहरी दीवार, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट की बात कर रहा हूँ, बाहर जो होता है भवन के बाहरी दीवार पे प्रत्येक 45 मीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। कम खतरे वाले पे कितना था? 60 मीटर। साधारण खतरे वाले पे कितना है? 45 मीटर। ये चीज़ ध्यान देना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हाई हजार्ड ऑक्युपेंसी, उच्च जोखिम वाले भवन के कम से कम एक हाइड्रेंट पोस्ट बाहरी दीवार के पास प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर लगा होना चाहिए। कितना? 30 मीटर पे। हाई खतरे वाले, ज़्यादा खतरे वाले जो क्षेत्र हैं, ज़्यादा खतरे वाले जो परिसर हैं, ज़्यादा खतरे वाले जो भवन है, बाहर की हाइड्रेंट जो है, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट, दो हाइड्रेंट के बीच की दूरी 30 मीटर होना चाहिए। पहला कौन सा था? कम खतरे वाले में 60 मीटर की दूरी। दूसरा कौन था? साधारण खतरे वाले जो भवन है उसमें 45 मीटर की दूरी, और ज़्यादा खतरे वाला जो फायर है भवन है, ज़्यादा खतरे वाला जो क्षेत्र है, ज़्यादा खतरे वाला जो परिसर है, उसकी बाहर की हाइड्रेंट, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट 30 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। मतलब दो हाइड्रेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 30 मीटर की। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसा भवन जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर भवन में कोई खतरनाक प्रतिक्रियाएं हो रही हो, उस भवन में 15 मीटर के भीतर दो सिंगल हाइड्रेंट या फिर एक डबल हेड हाइड्रेंट पोस्ट लगा होना चाहिए, ताकि आग लगने पर दो तरफ से आग बुझाने के लिए व्यवस्था हो। ऐसा भवन जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता हो, कोई हजार्डस मटेरियल जैसे कोई बनाया जा रहा हो, कोई ऐसा वस्तु बनाया जा रहा हो जिससे आग लगने की ज़्यादा, जैसे कोई गैस रिफिलिंग का कोई गैस रिफिलिंग वाला स्थान हो, कोई पेट्रोलियम पदार्थ वाला स्थान हो, कोई पेट्रोलियम पदार्थ स्टोरेज हो, वहाँ पर मतलब प्रत्येक भवन के उस भवन में 15 मीटर के भीतर, 30 मीटर नहीं, वो मतलब आपका स्पेशल बिल्डिंग है उसमें क्या है, 15 मीटर के भीतर दो सिंगल हाइड्रेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया एक मुंह वाला फायर हाइड्रेंट, अब दो मुंह वाला फायर हाइड्रेंट प्रत्येक 15 मीटर के दूरी पे होना चाहिए। समझ रहे हो? जो बहुत ज़्यादा खतरे वाला भवन है, एक उच्च खतरे वाला है, ये बहुत ज़्यादा खतरे वाला भवन है, स्पेशल स्टोरेज, स्पेशल हजार्डस जो भवन होते हैं उसमें प्रत्येक 15 मीटर पे दो मुंह वाला फायर हाइड्रेंट या दो फायर हाइड्रेंट सिंगल मुंह वाला, ठीक है दोस्तों, उसकी व्यवस्था प्रत्येक 15 मीटर पे फायर हाइड्रेंट होना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी बातों का आप समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, कम जोखिम वाले और मध्यम जोखिम वाले भवन के लिए फायर हाइड्रेंट भवन से कम 2 मीटर के दूरी पर लगा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि भवन को ग्राउंड लेवल से सुरक्षित किया जा सके। अब मैं बता दूं दोस्तों, इसमें दो भवनों की जिक्र हुआ है, कम खतरे वाला भवन, बिल्कुल कम खतरे वाला भवन, और मध्यम खतरे वाला भवन। दोनों भवनों में जो एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट होते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे भवन के बाहर जो फायर हाइड्रेंट लगे होते हैं, वो बिल्डिंग अंदर बिल्कुल चिपक के नहीं होना चाहिए, या फिर बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए,
दूसरे गांव में, उसकी भी एक लिमिट है भैया। कि मैंने आपको पहले बता रहा कि एक हाइड्रेंट दूसरे हाइड्रेंट के बीच में कितना दूरी होनी चाहिए, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए, क्योंकि वो फायर हाइड्रेंट बिल्डिंग के सुरक्षा के लिए ही लगा है। एक दूसरे के तो बता दिए इतने दूरी पर होती है। तो कम खतरे वाला जो भवन है और मध्यम खतरे वाला जो भवन है, दोनों भवनों में जो फायर हाइड्रेंट लगेगा बिल्डिंग से कम से कम 2 मीटर दूरी पे, कम से कम 2। ये नहीं कि बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल चिपक के हों, बिल्डिंग से 2 मीटर की दूरी पर फायर हाइड्रेंट लगा होना चाहिए। आप देखें दोस्तों, कहीं पर भी बिल्डिंग होगा, आप देखेंगे वहाँ से बिल्डिंग से थोड़ा, ये बिल्डिंग खड़ी है, टावर खड़ी है, यहाँ से यहाँ हाइड्रेंट लगा है, बीच में डिस्टेंस 2 मीटर की होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल बिल्डिंग के साथ ही चिपका दे, ऐसा नहीं होता, 2 मीटर के डिस्टेंस पर होता है। और इस और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बिल्डिंग के बाहर कोई रोड हो, तो बाहर कोई दीवार हो तो दीवार पे एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट लगाते हैं। ये नहीं कि रोड हो, खेत हो, पार्क हो, बहुत दूर रोड हो उसके किनारे दीवार पे लगा ले, तो उसकी भी एक डिस्टेंस है, बिल्डिंग से 15 मीटर से ज़्यादा दूरी पे हाइड्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बिल्डिंग से 15 मीटर के अंदर और बिल्डिंग से 2 मीटर के बाहर, कौन कौन से भवन में, कम खतरे वाले भवन और मध्यम खतरे वाले भवन में ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। उच्च जोखिम वाले भवन, प्लांट जैसे खतरनाक प्रक्रियाएं वाले भवन, भंडारण टैंक, खतरनाक उपकरण स्टोरेज वाले क्षेत्र एरिया से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर हाइड्रेंट 15 मीटर के दूरी पे होना चाहिए। उच्च जोखिम वाले कुछ भवन हैं जैसे प्लांट, खतरनाक प्रक्रियाएं वाले भवन, भंडारण टैंक, खतरनाक उपकरण स्टोरेज क्षेत्र एरिया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाइड्रेंट प्रत्येक 15 मीटर की दूरी पे लगा होना चाहिए। और एक चीज़ और है, जो स्टोरेज वहाँ से हाई फायर हाइड्रेंट है, उच्च खतरे वाले जो भवन हैं, सॉरी उच्च खतरे वाले जो प्रतिक्रियाएं हैं, उच्च खतरे वाला जो परिसर है, क्षेत्र है, वहाँ पर फायर हाइड्रेंट बिल्कुल पास में भी नहीं होना चाहिए। पता चला टैंक के पास ही हैं, वहीं फायर हाइड्रेंट के अगल बगल ही आग लग गया तो कैसे आप फायर फाइटिंग करोगे। तो वहाँ से उस खतरनाक वाले जगह से फायर हाइड्रेंट की दूरी 15 मीटर के दूरी पर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मीटर पे एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि उस जगह से 15 मीटर की दूरी पे, ताकि आग लगे तो हम दूर से ही कंट्रोल करें 15 मीटर की दूर पे, ठीक है दोस्तों। तो उच्च जोखिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ से 15 मीटर की दूरी पर फायर हाइड्रेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक संभव हो फायर हाइड्रेंट मॉनिटर सड़क के किनारे स्थित होना चाहिए, ताकि पहुंचने में आसानी हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो फायर हाइड्रेंट है चाहे फायर मॉनिटर है, वो संभव हो तो सड़क के किनारे हो, ताकि इजीली वहाँ से पहुंचा जा सके और फायर फाइटिंग किया जा सके। फायर हाइड्रेंट को कभी कभी पानी देना पड़ता है वाटर टेंडर के लिए, तो वो भी चूँकि सड़क रहेगा तभी तो उधर से व्हीकल जाएगा फायर वाला, उसको भी पानी दिया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सड़क के किनारे ही फायर हाइड्रेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसा करता हूँ पीछे जो मैं बता रहा हूँ वो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। ऐसे मामले में भवन के आकार या आउटलेट के कारण भवन की दीवार को विभाजित किया जाता है, तो भवन के भीतर किसी भी पाइप में एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट पॉइंट 45 मीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो इंटरनल फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाया जाएगा। कुछ भवन हैं, कोई भी भवन जब बनता है तो कई भवन के अंदर इंटरनल फायर हाइड्रेंट नहीं दिया जाता, मतलब कोई स्टोरेज वगैरह ऐसा है एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट, क्योंकि वो भवन छोटा होता है। जैसे कोई टेम्परेरी भवन बाहर आप कोई प्लांट के अंदर बन रहा है, लेकिन दोस्तों उसका जो आखिरी दीवार है वो 45 मीटर
जैसे मान लीजिए 15 मीटर दूर भवन से हाइडेंट लगा है और उसके अंदर भी 30 मीटर दूर दीवार है, आखिरी दीवार जो आखिरी कोना आखिरी हिस्सा जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के भवन के अंदर कहीं भी कोने में आप खड़े हो जाओ और वहाँ से देखो कि क्या एक्सटर्नल फायर हाइडेंट 45 मीटर से ज़्यादा दूर है। अगर है तो भवन के अंदर भी फायर हाइडेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सटर्नल फायर हाइडेंट से काम चल जाएगा। एक्सटर्नल फायर हाइडेंट से मैं हाई राइज बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पे जो एक स्टोर या छोटी मोटी भवन होती है जिसके अंदर एक्सटर्नल फायर हाइडेंट के लिए फायर फाइटिंग किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग के लिए इंटरनल फायर हाइडेंट का एक अलग नियम कानून है, उसके लिए आप पढ़ लेना या फिर मैं उसके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख के समझ लेना दोस्तों। तो आप समझ रहे हो, बिल्डिंग के कहीं भी भवन के कोने में खड़े होकर देख लेना, 45 मीटर से ज़्यादा दूरी पे अगर फायर हाइडेंट है तो अंदर भी फायर हाइडेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज एक्सटर्नल फायर हाइडेंट से काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, भवन का कोई भी हिस्सा इंटरनल फायर हाइडेंट से 30 मीटर और एक्सटर्नल फायर हाइडेंट से 45 मीटर से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए। भवन का अंदर का हिस्सा फायर हाइडेंट 30 मीटर और एक्सटर्नल फायर हाइडेंट, अब मैंने दोस्तों बताया मैंने कि भवन के इनसाइड का जो हिस्सा है, हालांकि ये क्लासिफिकेशन इसके लिए मैं स्पेशल आप पढ़ोगे, फिर भी एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, कोई भी भवन बना है उस भवन के इनसाइड भी एक फायर हाइडेंट है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल तो 45 मीटर मैंने बता दिया, कोई भी कोना 45 मीटर से दूरी पे नहीं होना चाहिए। और अंदर का जो इंटरनल फायर हाइडेंट है, जो कोई बिल्डिंग है हाई राइज बिल्डिंग, उसके अंदर इंटरनल फायर हाइडेंट है, उसके बिल्डिंग का कोई भी कोना 30 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इंटरनल एक ही हाइडेंट लगा दिए उसको 60 मीटर 70 मीटर 100 मीटर को कवर कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई बड़ा खुला क्षेत्र है जहाँ पर वैकल्पिक रूप से इंटरनल फायर लगाना संभव नहीं है, फायर हाइडेंट लगाना संभव नहीं है, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए फायर हाइडेंट को फायर मॉनिटर में बदला जा सकता है। कोई दोस्तों खुला क्षेत्र में कोई ऐसा स्टोरेज है जो काफ़ी दूर से फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप बीच में कोई फायर हाइडेंट तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आग लग जाएगा तो कैप्चर में सारा कुछ आ जाएगा, जो बीच में फायर हाइडेंट उसमें उसके ऊपर भी आग लग जाएगा, तो वहाँ भी क्या करेंगे कि बाहर जो एक्सटर्नल फायर हाइडेंट है उसमें फायर मॉनिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें फायर मॉनिटर लगाया जा सकता है कि वहीं से आप प्रेशर से दूर दूर तक आग बुझाया जा सके तुरंत, क्विक एक्शन, ठीक है दोस्तों, मतलब फायर हाइडेंट को फायर मॉनिटर में बदला जा सकता है, उसकी भी काउंटिंग फायर हाइडेंट में ही होगा। ठीक है दोस्तों, हाई हजार्ड एक्यूपेंसी, अभी जो मैं बता रहा था हाई हजार्ड एक्यूपेंसी, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में अगर 200 स्क्वायर मीटर एरिया से ज़्यादा बड़ा भवन हो, 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा भवन हो, तो बेसमेंट एरिया में ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा। हाई एक्यूपेंसी, हाई जो उच्च खतरे वाला क्षेत्र है, उच्च खतरे वाला भवन है, 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा भवन है, ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें के बेसमेंट में 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा बेसमेंट है तो उसमें फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना अनिवार्य है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, हम एक्सटर्नल फायर हाइडेंट के बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कहीं भटक जा रहे हैं। 500 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्र, 500 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन में प्रत्येक मंजिल पर कम से कम 2 सीढ़ियां फायर एग्जिट होना चाहिए। 500 स्क्वायर मीटर से अधिक है, अगर कोई भी भवन आप देख रहे हैं जिस भवन में आप रह रहे हो या फिर कोई भी भवन 500 स्क्वायर मीटर, 500 ग्राउंड लेवल उसका 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है तो उसमें कम से कम 2 फायर एग्जिट होना चाहिए, 2 सीढ़ियाँ होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि एक ही से काम चल जाए, नहीं दोस्तों, छोटी मोटी ठीक है लेकिन 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है तो कम से कम 2
फायर एग्जिट होना अनिवार्य है। आगे चल रहे दोस्तों, भवन के सभी मंजिल पर फ्लोर एरिया को कंपार्टमेंट जोन में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक कंपार्टमेंट कम से कम 750 स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों कोई भी भवन बनता है, भवन तो खूब लंबे चौड़े बनते हैं, तो उसमें एक फायर कंपार्टमेंट बनता है। फायर कंपार्टमेंट दोस्तों एक अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। फायर कंपार्टमेंट मतलब अगर किसी कंपार्टमेंट में आग लग जाए, बहुत बड़ा भवन बना दिए, उसमें बीच बीच में हम कंपार्टमेंट बनाते हैं, मीन्स वो हमें आपको देखने से नहीं पता चलता, बट उसकी डिजाइन इस प्रकार होती है कि एक कंपार्टमेंट 750 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 750 स्क्वायर मीटर। भवन तो हजारों स्क्वायर मीटर का आपने बना दिया, भवन दसियों हज़ार स्क्वायर मीटर का है आपका, लेकिन एक कंपार्टमेंट 750। अब कंपार्टमेंट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उस कंपार्टमेंट मतलब 750 स्क्वायर मीटर एरिया में अगर कोई आग लगती है, तो वो आग को कंट्रोल करने के लिए बीच में मोटी कंक्रीट की दीवार या फायर जैसे बेसमेंट हो गया, ऊपर तक भवन के अंदर मोटी कंक्रीट की दीवार बना सकते हैं, बेसमेंट में चूंकि पार्किंग होता है तो वहाँ पर वाटर कर्टन सिस्टम, आग को रोकने वाला सिस्टम, या फायर कर्टन सिस्टम, जो भी है, चाहे दीवार हो, चाहे वाटर कर्टन सिस्टम है, या फिर कोई भी चीज़ हो, लोहे का दरवाज़ा हो, लोहे का कुछ भी है, तो नीचे से लेकर भवन के ऊपर तक बेसमेंट में वाटर कर्टन, उसके ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो 750 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वो एरिया नहीं होना चाहिए। उसके बीच में आपको दीवार, फायर दीवार जो आग से जले ना, आग को रोक के रखे। और ये चीज़ ध्यान देना है, उधर से चूँकि एसी चलता है, एयर कंडीशन, तो वो हवा दूसरे एरिया में जाएगा, तो बीच में फायर डैम्पर मतलब हो सकता है एसी वाले रास्ता, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए, जैसे केबल ट्रे हो गया, सर्विसेज हो गया, रास्ते हो गए, सब में अगर रास्ते हैं तो उसमें फायर डोर मतलब आग से नहीं जलने वाला दरवाज़ा लगाना होगा, या फिर एसी का डक्ट है तो उसके अंदर फायर डैम्पर लगाना होना है, या फिर मोटा दीवार हो, बेसमेंट में वाटर कर्टन सिस्टम है, मतलब जो 750 मीटर स्क्वायर में जो आग लगी है वो आग दूसरे कंपार्टमेंट में ना पहुँचे। ऐसे ही बड़े भवन में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। तो कंपार्टमेंट के विषय में आप और जानना चाहते हैं तो इसका एक अलग सब्जेक्ट है, आप गूगल वगैरह आप सर्च करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड में सर्च करेंगे, नेशनल बिल्डिंग कोड में जाएंगे, तो उसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा जानकारी देने का, तो आशा करता हूँ कंपार्टमेंट। हाँ, एक चीज़ और, उस कंपार्टमेंट में फायर हाइडेंट सेपरेट होता है, उस कंपार्टमेंट में फायर एग्जिट सेपरेट होता है, उस कंपार्टमेंट में फायर फाइटिंग सिस्टम, अलग अलग कंपार्टमेंट के हिसाब से सारी सुविधा दी जाती है भवन के अंदर। ठीक है दोस्तों, बेसमेंट के मामले में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का कंपार्टमेंट साइज दिया गया है, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं दोस्तों, आप ये देखिए बेसमेंट के मामले में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का कंपार्टमेंट साइज दिया गया। अभी हम जो कंपार्टमेंट बता रहे थे 750 स्क्वायर मीटर, वो भवन के ऊपरी हिस्से का था, लेकिन बेसमेंट का कुछ और है। सीरियल नंबर देखिए दोस्तों, दूसरा है यूज, और तीसरा है कंपार्टमेंट एरिया साइज स्क्वायर मीटर के हिसाब से। बेसमेंट कार पार्किंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो 3000 स्क्वायर मीटर एरिया को एक कंपार्टमेंट माना जाएगा, उसके बीच में कंक्रीट की दीवार हो, अदरवाइज वाटर कर्टन सिस्टम, ऐसा कोई व्यवस्था है जो आपको रोक के रखे। ठीक है दोस्तों, दूसरा है बेसमेंट अदर देन कार पार्किंग, दूसरे कार पार्किंग अलावा और भी कुछ होते हैं, वो 2000 स्क्वायर मीटर के बाद एक कंपार्टमेंट का मतलब वही है, वाटर कर्टन सिस्टम लगाओ या फिर मोटी दीवार जो आग से जले ना। ठीक है दोस्तों, हालांकि बेसमेंट में वाटर कर्टन सिस्टम लोग लगा लेते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं वो लगाना पड़ता है। अब ये नीचे देखो, तीन नंबर पर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इसमें सब डिवीजन C1 1800 स्क्वायर मीटर है,
इसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सब डिवीज़न C2 एंड C3 में 1125, मतलब जैसे जैसे हाई हजार्ड एक्यूपेंसी में होता जाएगा भवन, जैसे जैसे खतरे के हिसाब से उसकी एरिया कंपार्टमेंट का, बेसमेंट का कंपार्टमेंट का छोटा होता जाएगा। ठीक है, मर्केंटाइल एंड असेंबली बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो 2000 स्क्वायर मीटर को एक कंपार्टमेंट माना जाता है बेसमेंट में, उसके हिसाब से वाटर कर्टन सिस्टम या अदर सिस्टम लगाना पड़ता है। ऑल अदर बिल्डिंग्स लो हजार्ड एंड हाई मॉडर्न हजार्ड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड अदर स्टोरेज बिल्डिंग 750 स्क्वायर, मतलब जो हाई हजार्ड एक्यूपेंसी है उसमें वही नियम लागू हो जाता है बेसमेंट में भी 750 स्क्वायर मीटर एरिया में को एक कंपार्टमेंट माना जाएगा। दोस्तों सारे नियम कानून उस कौन सी क्लास में हाई हजार्ड है लो हजार्ड इसका अलग अलग नियम मैं आपको एक मोटा मोटा, बहुत लोग बहस करते हैं कि जी वाटर कर्टन सिस्टम कितने स्क्वायर मीटर एरिया में लगा होना चाहिए, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है आपका एक्यूपेंसी कितना बड़ा है, कौन सी क्लास में आता है। इसमें दिया है कि साधारण जो एक्यूपेंसी है उसमें 3000 स्क्वायर मीटर में कार पार्किंग में लगता है, जो जैसे लो खतरे वाला है थोड़ा सा मध्यम खतरे वाला है उसमें 2000 स्क्वायर मीटर में, उसमें भी कई कई कैटेगरी दिया गया, 1800 स्क्वायर मीटर, 1125 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर, 3000 स्क्वायर मीटर और सबसे हाई वाले में 750 स्क्वायर मीटर में को एक कंपार्टमेंट माना जाता है। कंपार्टमेंट मीन्स उसका सारा सिस्टम, वो आग दूसरी कंपार्टमेंट में ना फैले, वो आग दूसरे क्षेत्र में ना फैले। समझ लो दोस्तों एक बस्ती होते हैं ना, बस्ती, बस्ती के अंदर आग लग जाती है तो सारी बस्ती जल के खाक हो जाती है। अब सोचो दोस्तों एक बस्ती के बीच में मोटी कंक्रीट की दीवार बना दे, उसके बाद बीच फिर बस्ती फिर बीच में एक मोटी कंक्रीट की दीवार बना दे, तो मुझे लगता है एक बस्ती में आग लग गया तो दीवार को पार करके दूसरी बस्ती में आग नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि बस्ती बनाने के लिए पैसे ही नहीं है, दीवार कौन बनाए भैया, दीवार बनाने से अच्छा कि बस्ती को ही अच्छा घर मकान बना दिया जाए। भवन के सभी मंजिल पर कम से कम एक फायर हाइडेंट पाइप प्रदान किया जाएगा। भवन के सभी मंजिल पर, देखो मैंने बताया था पहले आपको कि डिपेंड करता है कितने स्क्वायर फीट एरिया में आपका भवन है, कौन सी क्लास है, सभी क्लास की एक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग फायर हाइडेंट की डिजाइन किया जाता है। लेकिन कम से कम एक फायर हाइडेंट आउटलेट प्रत्येक फ्लोर पे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों फायर मॉनिटर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित स्थानों पर लगाया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हो बेसिक पार्ट्स दिए गए हैं कि इसमें फायर मॉनिटर में कौन कौन से पार्ट्स है आप देख सकते हो, इसमें हैं बहुत सारे हैं, आप इसको डिटेल में कभी ध्यान से पढ़ना फायर मॉनिटर के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों, जहाँ खुले स्थान पर मटेरियल स्टोर किया जाता है वहाँ पर इस प्रकार से फायर हाइडेंट को लगाया जाता है। ध्यान दें, कम फायर हाइडेंट हजार मटेरियल वाले क्षेत्र में 2 मीटर से अधिक, कम फायर हजार मटेरियल वाले क्षेत्र में 2 मीटर से अधिक और 15 मीटर के भीतर स्टोरेज मटेरियल के लिए कम से कम एक सिंगल फायर हाइडेंट प्रत्येक 60 मीटर के दायरे पर लगा होना चाहिए। दोस्तों कम फायर हजार मटेरियल वाले क्षेत्र में जो स्टोरेज मटेरियल होते हैं दोस्तों, तो स्टोरेज मटेरियल भी तो कई प्रकार के होते हैं, क्या आप स्टोर कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, स्टोर मतलब आलू प्याज स्टोर कर रहे हो कि शराब दारू स्टोर कर रहे हो, पेट्रोल डीजल स्टोर कर रहे हो, तो उसके हिसाब से सारा कुछ होता है। कम फायर हजार मीटर वाले क्षेत्र में 2 मीटर से अधिक और 15 मीटर के भीतर वाले स्टोरेज मटेरियल, कम खतरनाक जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो 2 मीटर से अधिक, अगर वो स्टोरेज 2 मीटर से अधिक है तब ये नियम आएगा। ये नहीं कि 2 मीटर से कम ही है एरिया में तब भी फायर हाइडेंट की जरूरत हो, नहीं भैया उसके भी एक लिमिट है। 2 मीटर से अधिक एरिया को घेर रखा है और 15 मीटर से कम एरिया को घेर रखा है
तो उसके लिए कम से कम एक सिंगल फायर हाइड्रेंट प्रत्येक 60 मीटर की दायरे में लगा होना चाहिए। आप सोचो जब इतना ही एरिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो भी स्टोरेज मटेरियल उस ग्राउंड पे रखा जाएगा वो इसी प्रकार से रखा जाएगा कि कम से कम 2 मीटर एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर एरिया में। उसके बाद जो फायर हाइड्रेंट होता है वो कम से कम 60 मीटर के दायरे में एक फायर हाइड्रेंट होना ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, फायर मॉनिटर आग लगने वाले खतरनाक स्थान से, जो फायर मॉनिटर है 45 मीटर के अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। पता चला आप 100 मीटर दूर लगा दिए फायर मॉनिटर, वहाँ से पानी पहुँच ही नहीं पाया, तो उसकी भी एक लिमिट कैपेसिटी भैया कि जो आग लगने वाला क्षेत्र है वहाँ से ज़्यादा आप 45 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाना है, 45 मीटर से अंदर ही लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मीटर की दूरी पे आप लगा सकते, उससे ज़्यादा फायर मॉनिटर को नहीं लगा सकते। फायर हजार्ड खतरनाक स्थान एरिया में कम से कम, फायर हजार्ड खतरनाक स्थान एरिया में कम से कम 2 मॉनिटर होना चाहिए जो अलग अलग तरफ से आग बुझा सके। ये नहीं कि एक ही तरफ से आप आग बुझा रहे हो, आग पीछे बढ़ रहा है, तो पीछे से एक फायर हाइड्रेंट होना चाहिए दो तरफ से, ताकि दोनों तरफ से फायर फाइटिंग करके आग को स्टोरेज, जो जहाँ पे ग्राउंड पे स्टोर किया है उसको बुझाने के लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ खुले स्थान पर मटेरियल स्टोर किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार से फायर हाइड्रेंट को लगाया जाना चाहिए। ध्यान दें दोस्तों, कम फायर हजार्ड मटेरियल वाले क्षेत्र में, पहले भी बताया था, 2 मीटर से अधिक और 15 मीटर के भीतर स्टोरेज मटेरियल, जो 15 मीटर से कम एरिया को घेरता है, कम से कम एक सिंगल फायर हाइड्रेंट 60 मीटर की दायरे पे होना चाहिए। दोस्तों 2 मीटर से अधिक, अब ये मैं कोयले क्षेत्र वाले स्टोरेज मटेरियल की बात कर रहा हूँ। स्टोरेज मटेरियल बहुत सारे होते हैं, सबका अलग अलग नियम कानून है। 2 मीटर से अधिक और 15 मीटर से कम कोयले स्टोरेज वाले क्षेत्र में, जहाँ पर कोयला स्टोर होता है वो 2 मीटर से कम स्टोर होता है, या फिर जो 15 मीटर एरिया को कवर करता है, वहाँ कम से कम एक सिंगल फायर हाइड्रेंट प्रत्येक 45 मीटर के एरिया में एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट होना चाहिए। प्रत्येक 45 कोयले क्षेत्र वाले एरिया में प्रत्येक 45 मीटर के एरिया में एक एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों खुले क्षेत्र वाले क्षेत्र में, जिसमें घास, लकड़ी, बम्बू जैसी मटेरियल स्टोर होते हैं और उसके ऊंचाई 6 मीटर से अधिक हो। खुले क्षेत्र में, मैदान में, जहाँ पे आपने घास, लकड़ी, बम्बू, घास फूस एक क्लास की जलने वाली मटेरियल जो होते हैं वो स्टोरेज कर रखे हैं, उसकी हाइट अगर 6 मीटर से ज़्यादा है, आपने स्टोर कर दिया 6 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट है, और कुल भंडारण, कुल जो उसकी आपने क्षमता देख लिया 5000 टन से अधिक है उस मटेरियल की, 5000 टन से अगर अधिक है तो उस एरिया में 50% फायर हाइड्रेंट, जितने भी फायर हाइड्रेंट लगे हैं नियमों के अनुसार, उसमें 50% फायर हाइड्रेंट को फायर मॉनिटर में बदला जा सकता है। ये नहीं कि सबको बदल दे फायर मॉनिटर में, कुछ फायर हॉज वगैरह भी बिछाने के लिए होना चाहिए। बीच बीच में एक एक फायर मॉनिटर अपने लोकेशन के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ताकि वहीं से फायर फाइटिंग करने के लिए ठीक है। कितने फायर हाइड्रेंट को बदला जा सकता है? 50%, उससे ज़्यादा नहीं, हाँ उससे कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं और बता रहा हूँ, 2 मीटर से अधिक और 22.5 मीटर से कम क्लास सी वाले स्टोरेज मटेरियल, अन स्टोरेज मटेरियल वाले क्षेत्र में डबल आउटलेट, जो हजार्डस मटेरियल स्टोरेज वाले क्षेत्र हैं उसमें डबल आउटलेट फायर हाइड्रेंट, 2 मुंह वाले फायर हाइड्रेंट या 2 हाइड्रेंट प्रत्येक 45 मीटर के एरिया में होना चाहिए। वो जो
हाई हजार्ड वाले मटेरियल जो स्टोर बना हुआ है उसके एक्सटर्नल फायर हाइडेंट है, और वो भी स्टोर कितना बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मीटर से अधिक छोटा स्टोर, 2 मीटर से ज़्यादा हो और 22.5 मीटर से कम हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। एक डबल आउटलेट फायर हाइडेंट प्रत्येक 45 मीटर के दायरे में होना चाहिए, 2 मुंह वाले फायर हाइडेंट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। एक्सटर्नल फायर हाइडेंट के बारे में मैं आशा करता हूँ बहुत कुछ जानने की बताने की कोशिश किया हूँ मैंने आपको कि भवन के अंदर एक्सटर्नल फायर, इंटरनल फायर के हाइडेंट के भी बारे में आपको बताएंगे। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपका भवन कौन सी क्लास में आता है वो तो एक अलग मैटर है, हाई एक्यूपेंसी है, लो एक्यूपेंसी है या मीडियम एक्यूपेंसी है, कौन सी खतरे वाले में है उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फायर हाइडेंट की दूरी निर्धारित होती है। भवन से कितने दूरी पर एक्सटर्नल हाइडेंट होना चाहिए, एक हाइडेंट से दूसरे हाइडेंट के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, और एक मुंह वाला फायर हाइडेंट होना चाहिए या 2 मुंह वाला फायर हाइडेंट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके एक्यूपेंसी पे, आपके भवन पे, आपके परिसर पे, कि कितना ख़तरनाक आपका परिसर है उसके अकॉर्डिंग फायर हाइडेंट की डिजाइन होता है एक्सटर्नल फायर हाइडेंट। और भी बहुत कुछ इसके आगे दोस्तों बताने की कोशिश करूँगा, जैसे अभी तो हमने बता दिया कि आपके भवन के अंदर ये फायर हाइडेंट, अब आपकी भवन कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग इसी डिस्टेंस के हिसाब से फायर हाइडेंट लगते हैं। कोई डिजाइनर क्या करता है कि भवन देखता कितने एकड़ में भवन फैला है, उसके अकॉर्डिंग भाई 30 मीटर दूरी पर अगर फायर हाइडेंट हो और बहुत बड़ा एरिया में तो फायर हाइडेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फायर फाइटिंग पंप सिस्टम की भी डिजाइन होती है, उसके अगर फायर हाइडेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी वाला कैपेसिटी वाला फायर हाइडेंट सिस्टम, पंप सिस्टम लगाना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको उसको आगे आगे बताऊंगा, पहले आप जान लीजिएगा फायर हाइडेंट कितने दूरी पे कौन कौन से लगते हैं, फिर इंटरनल फायर हाइडेंट के बारे में बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग कितने हाइडेंट के बीच में कौन कौन से पंप रूम या एक पंप की कैपेसिटी क्या क्या होती है, सब कुछ मैं आपको दूसरी वीडियो बताऊँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों, लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।